आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टिक वाली चाप। वो चाप एक नंबर की वाहियात थी, बहुत ही बेकार, बिल्कुल भी गजब बेइज्जती है। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, मुमकिन जहान में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आज बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी नहीं खाया जा रहा, मुझसे देख सकते हैं आप, मेरे फेस से ही लग रहा होगा आपको। तो अभी मेरा मैगी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने मैगी बनाने के लिए रखी है। तो मैगी बन जाएगी, उसके बाद खाऊंगी, फिर मैं रेस्ट करूंगी। आज पता नहीं मेरा दिन कैसा जाने वाला है, कैसा नहीं, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मेरा बनाने का मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग, लेकिन मैं क्या करूँ, खाली बैठी हुई थी। देखिए कितने पसीने भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं। और फिर पंखे में जा रही हूँ ना, तो मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पसीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक हूँ। पसीने में जा वहाँ जा रही हूँ ना पंखे में, तो बार बार कोल्ड हो रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी जाऊँगी दवाई लेने के लिए भी। मैं पहले मैगी खा लूँ, फिर दवाई लेने जाऊँगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू व्लॉग करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये हाल हो रहा है कुछ मेरा, तो इसलिए आज पता नहीं मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, देखते हैं। दुआ करो आपके मैं जल्दी से जल्द ठीक हो जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अचानक से ही। मैंने कुछ ठंडा भी ऐसा वैसा नहीं खाया, लेकिन जब भी हो गई पता नहीं क्यों। खैर जो भी था, हाँ एसी में बैठी रही थी मैं पूरे दिन, इसलिए मुझे वो लग गई, छूट नहीं करी एसी की हवा। कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जब तबीयत इंसान है तबीयत ख़राब भी होगी, है ना, किसी दिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भी हो जाएगी, है ना। बस आप लोग दुआ करो मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैंने मैगी निकाल ली है गर्मा गर्म, फटाफट से मैगी खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। सो गाइस, अब मैं खा रही हूँ मैगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कल तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। फीवर तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, और क्या नाम है उसका, कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तो आज अल्लाह का शुक्र है मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है और थोड़ा रेस्ट किया मैंने एक दिन का, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो बस मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए अम्मी ने बनाया है मेरे लिए दलिया। तो अब इस टाइम पे मैं दलिया खा रही हूँ, अभी फटाफट मैं नहा कर आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए फटाफट से मैं नहा कर आ गई और फटाफट अब दलिया खाती हूँ। और जो मेरा जला था ना, देखो उसका निशान ही रहा, ये इसका निशान जो मेरा हाथ जला था। और मैं इस टाइम खा रही हूँ दलिया, दिखा देती हूँ एक मिनट आपको, ये देख सकते हैं आप, ये बनाया मैंने दलिया। तो फटाफट से दलिया खाती हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली सारा काम हो चुका है और मैंने दलिया भी खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और रात का डिनर भी हो चुका है और वक्त हो गया है इशा की नमाज़ का। तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तबीयत मेरी बेटर है और इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह में। तो मैं जा रही हूँ अब नमाज़ पढ़ने और मिलती हूँ आपसे नमाज़ के बाद, अल्लाह हाफिज़। फाइनली गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ हो चुकी है और बस अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, नमाज़ हो गई, बस सारा काम हो गया, फिर बस अब आराम करना है। फटाफट मैं दवाई खाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, बिकॉज़ आज भी मतलब तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा और मतलब मेडिसिन लेना पड़ेगी, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, फिर मिलते हैं आपसे कल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हो आप, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं इस टाइम कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है दूध और बिस्किट। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और मिलती हूँ आप। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मेरी तबीयत की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ मैं आप सब लोगों की दुआ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बस आज का दिन कैसा जाने वाला है, कैसा जाएगा कैसा नहीं, और आज है संडे मैं बता दूँ आपको, तो देखते हैं। आज हमारा कहीं जाने का प्लान था बट मेरी तबीयत ख़राब थी प्लस अब हम नहीं जा रहे, शायद वहाँ पर कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं कि हम नहीं जा सकते, बिकॉज़ मैं क्या बताऊँ आपको, बस
वो जब काम हो जाएगा जब बताऊंगी आपको, जब जाएंगे जब, ठीक है। तो आज फिलहाल तो नहीं जाना हो रहा है वहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे हम। तो बस आज का दिन कैसे देने वाला है वो आपको पता चलेगा, व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, और मैंने बुरखा ओढ़ रखा है तो आप सोच रहे होंगे कहीं जा रही है। यस, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, जो कि मेरे घर जस्ट घर के सामने रहती हैं, बीच में एक गली का फासला है बस। तो मैं आज उनके यहाँ जा रही हूँ, बिकॉज उनके हमने कपड़ा लेकर आई थी मैं, ठीक है। और वो ना पट्टियों वाला है, तो उसमें ना मुझे सिलाई लगवानी है। तो उनके यहाँ ना वैसी मशीन है वो वाली, क्या नाम, मोटर वाली, तो क्या नाम है, वो जल्दी से सिलाई लगा कर मुझे दे देंगी, और फिर मैं उसे कटिंग करके सिल लूँगी खुद अपने घर में। हमारे यहाँ हाथ वाली मशीन है, तो इसलिए मुझे लगेगा टाइम, तो इसलिए मुझे जल्दी करना है काम। तो फिर फटाफट से उनके यहाँ चलते हैं सूट लेकर, और अपना काम करते हैं, और मिल भी लूँगी मैं अपनी फ्रेंड से, है ना, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। तो मैंने उससे पूछ लिया था पहले, तो कहने लगी हाँ ले आना आप, मैं कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू। तो अब फटाफट से मैं वहाँ जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पर। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, पानी पी रही हूँ, यहाँ पे मेरा पानी बहुत यहाँ पे आ गई, और ये बैठी है बच्चा पार्टी। इन्हें आपने पहले भी देखा था मेरे साथ पैसिफिक मॉल में। फटाफट पहले पानी पीते और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ, इनका नाम क्या है, रहमा। तो रहमा यहाँ पर बैठी हुई है, और क्या नाम है, यहाँ पर हमारी आप बैठी हुई है, और ये रही, हेलो करो, हाय करो। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है दिखाओ जरा, कौन सी मूवी देख रहे हो? एवेंजर्स 3। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं ये एवेंजर्स मूवी देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं आई हूँ, देखिए दस्तरखान लग चुका है मेरे आते ही, देख रहे हो। और यहाँ पे आप इन्हें बताइए, आप इन्हें बनाइए कीमे की तहरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी खुशबू आ रही है उसकी। तो देखते हैं कैसी है कैसी नहीं, और आपको भी दिखाती हूँ मैं, चलो निकाल। सो गाइस, तहरी ये रही, देख सकते हो आप कितनी लजीज है, और इसके अंदर से भाप निकल रही है, ओए होए, यम, कितनी टेस्टी। हेलो करो रहमा, हाँ। कैसी लगती है आपको कीमे की तहरी? अच्छी, बहुत अच्छी लगती है, चलो टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, हाँ आप टेस्ट करो, करो टेस्ट करो रहमा, मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें। अरे वाह, देखो जरा कैसी बनी है बताओ, टेस्टी। तो आप देख ही सकते हैं रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू, बाकी मैं खाने के बाद बताती हूँ आपको, ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैंने यहाँ पर लंच कर लिया दोपहर का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी कीमे की तहरी, और आप ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी तहरी, देख लो फ्रेंड चेक हो गया। आपको कैसी मिली, कैसी लगी तहरी, जल्दी बताओ। फौजी आप ही ने बनाई है कीमे की तहरी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो लाइक कर लेना। और हाँ, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बताऊँ किसी दिन बिरयानी भी खाऊँगी, ठीक है। और भैया चलो बताओ रहमा, फटाफट बिरयानी वो खा लिया आपने, तहरी कीमे की कैसी बनी है? अच्छी, अच्छी, ठीक है। अब तो खुश रहना, आप बिल्कुल नाराज मत होना, ठीक है, हंस के दिखाओ, हाँ गुड गर्ल। सो गाइज, हम आ चुके हैं फौजियापे की छत पे, तो हम इस टाइम छत पे बैठे हुए हैं पटिया पे, और ये बैठी हुई हैं, क्या नाम है तुम्हारा? राहिला, राहिला, मैं भूल जाती हूँ राहिला आपका नेम। तो कैसा लग रहा है छत पे आकर? हाँ, व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग, हाँ देखते हो, थैंक यू, देख लो मेरी व्लॉग, आजकल तो ज़्यादातर चर्चा में आ रही हूँ, सब्सक्राइब कर रखा है इन लोगों ने भी मुझे, है ना, बता रहे थे कि मैंने वहाँ पे आपकी सारी वीडियोस देख रखी हैं, और इन्होंने भी देख रखी हैं क्यूटी फाई ने। तो बस फटाफट से अब मेरा जाने का समय आ गया, बहुत हमने यहाँ पर इंजॉय कर लिया अल्लाह के शुक्र से, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पर। बाय द वे गाइस, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। हो गाइस, साकिब वो खड़ा हुआ, साकिब, साकिब से हाय। कितना मगा रहा था, देखो इग्नोर कर रहा है गाइस, देखो इग्नोर कर रहा है, चुप गया, उड़ते देख रहा है। साकिब को छोड़ते हैं, और अब हम चलते हैं फटाफट से अपने घर पे। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अब जा रही हूँ फटाफट से बुरखा उतार के, घर का काम जो पेंडिंग में था फटाफट से घर का काम वाम करना है मुझे, पानी भरना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है फटाफट, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो गाइस, मैं किचन में आई थी डिनर बनाने के लिए,
खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा एक मैं मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश है, आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टिक वाली चाप, देख सकते हैं आप। वाओ, तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टिक वाली चाप, और इसको किस तरह से बनाना है, हमें कैसे हम इसका मसाला रेडी करेंगे, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। सीरियसली स्टिक वाली चाप मेरी फेवरेट है, तो फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो फटाफट से इसे बनाते हैं, लेट्स गो। देख सकते हैं अभी ये जो चाप है ये स्टिक पे ये फोल्ड हुई हुई है, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले हमें ये काम करना है, इस स्टिक को बाहर निकालना है और सोयाबीन को अलग करना है और गोल गोल पीस में इसको कट कर लेना है, ठीक है। अब मैं इतना प्रोसेस कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको इसके बाद। सो फाइनली गाइस मैंने इसको स्टिक इसकी निकाल ली है, ये देख सकते हैं ये रही इसकी स्टिक, ये डस्टबिन में जाएंगी और ये हमारी बारीक चॉप हो गई। और अब इसको क्या करना है हमें, मैंने कढ़ाई रख दी ऊपर, अभी फटाफट धो के और अब इसका पानी सूख जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और फिर इसको ऑयल में फ्राई करना है, ठीक है। और फ्राई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने यहाँ पर प्याज कट करके रख दी है, फटाफट अब इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। मैं सारे प्रोसेस करती हूँ फिर बताती हूँ, फिलहाल इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर ऑयल डाल के गर्म होने के बाद। तो चलिए करते हैं। अब हो रही है हमारी स्टिक वाली सोयाबीन की चाप फ्राई, तो फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। इससे जब तक हम देख लेते हैं अपना मसाले जो इसके अंदर डालेंगे। तो ये है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला एंड ये है नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा पाउडर, दालचीनी, 4-5 लौंग और ये 5-6 काली मिर्च, बस ये सारा सामान हमें लेना है। और प्याज लेनी है, टमाटर पेस्ट करना है तो वो भी मैं अभी करूँगी, ठीक है। तो जब तक हमने ये मसाला ले लेना है बस, और इसको फ्राई होने हैं, इसको फ्राई होने देते हैं। तो गाइस देखिए हमारी जो सोयाबीन है ना वो बॉल्स जैसी हो गई हैं, फ्राई होने के बाद ऐसी हो जाएंगी ये बॉल्स जैसी। बस अब इनको क्या करना है हमें निकाल लेना है फटाफट से एक प्लेट में। तो चलिए निकालते हैं हम इन बॉल्स को, अपनी सोयाबीन को। देख सकते हैं हमारी जो सोयाबीन चाप है, सोयाबीन की जो चाप है वो फ्राई करने के बाद गोल गोल हो गई है, जब ये ऐसी हो जाए जब भी आपको निकालना है इसे, ठीक है, ऑयल से बाहर। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर हो रही हमारी अनियन फ्राई, और जब ये फ्राई हो जाएगी हमारी उसके बाद हम ये मसाला डाल देंगे सारा और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक अनियन फ्राई हो रहा है तो हमने मसाले भी निकाल दिए और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है बस। और इसके अंदर जब हम क्या नाम है मसाले जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हमें इसके अंदर डालनी है 4-5 हरी मिर्च, और हरी मिर्च को अच्छे से हमें इसके अंदर मसाले के साथ फ्राई कर लेना है और बस। और फिर आगे बता दूंगी मैं आपको अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर इस वजह से लिए हैं क्योंकि मुझे लास्ट में इसमें दही भी ऐड करना है, इसीलिए मैंने 2 टमाटर ऐड करे हैं इसके अंदर। तो बस, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी सी टेस्टी सी हमारी सोयाबीन की स्टिक वाली चाप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, सीरियसली मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने मम्मी से स्पेशल लेकर मंगवाई है ये। तो फटाफट से आज मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जल्द से जल्द और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जिसने अभी तक नहीं करा है, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी मेरी यहाँ पर, ठीक है। जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो उमंग के जहान से, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। गाइस ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर सारा मसाला डाल दिया है और 5-6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च थोड़ी सी मोटी मोटी कट करके इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर अब फ्राई करना है इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 तेज़पात के पत्ते, मसाले में भुन जाएंगे, उसमें टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा इसका, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो गाइस मसाला जो है हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो है टमाटर, 2 टमाटर का पेस्ट। अब इसको डाल के और चला के इसको अच्छे से 1-2 चम्मच चला के, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढक के रख देंगे, टमाटर का टेस्ट जब पक जाएगा फिर इसे खोल के देखेंगे। सो गाइस टमाटर जो है हमारे पक चुके हैं, देखिए ऑयल भी आ गया है, देख सकते हैं हमारा मसाला भी हो गया है, और इसके अंदर मुझे नमक थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी जिससे हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा और हो जाए, है ना। तो फटाफट से इसको और पका लेते हैं अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये जो हमारे रखे हुए हैं सोयाबीन चाप वाली, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस मोमेंट पर अच्छे से।
तो ये मैंने डाल दिए हैं ऑलमोस्ट सारे। बस अब ये बन रहा है अच्छे से। वाओ यम्मी टेस्टी सा हमारा सोयाबीन चाप। ये जो इसका मसाला है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी और पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। इसके अंदर जो मैंने पानी डाला था ना वो उड़ा नहीं, बिकॉज मैंने इसे ढक दिया था टमाटर का टेस्ट पकने के लिए। तो अब इसके अंदर फटाफट से थोड़ा सा इसे हाई गैस पे इसे पकाएंगे, छोड़ देंगे इसे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और जो इसका वेस्ट पानी है वो उड़ जाए। एंड मोमेंट पर मैंने इसके अंदर डाली है दही, तो दही को फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और दही से इसका जो फ्लेवर आता है ना और जो कलर आता है यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा से माशाल्लाह देख सकते हैं आप यम्मी। सो गाइस देख सकते हैं आप हमारी स्टिक वाली चाप सोयाबीन की रेडी है। ये देखिए थिकनेस इसकी माशाल्लाह। सो गाइस हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है सोयाबीन की चाप। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसको टेस्ट करवा के इसका रिव्यू भी दूंगी मैं अम्मी से भाई से सबसे, तो इसका रिव्यू भी आपको कराऊंगी। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और देखिए मेरे हाथ हो रहे हैं आटे के, और फटाफट से अब मैं रोटी बना लूँ और मिलती हूँ। सो गाइज ये रहा पापा का खाना और ये रहा स्टूल पापा के लिए रख दिया हमने, ये बैठे हुए पापा। पापा आपका खाना रेडी है, टेस्ट कर कर बताओ सोयाबीन वाली चाप बनाई है मैंने स्टिक वाली। पापा टेस्ट कर कर बताओ जल्दी से। सो गाइज हमारे पापा अपने आप खाना खा लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखो ये पापा ने खा लिया। कैसा बना है पापा? फैंटास्टिक। अरे वाह पापा, ये गाइज पापा को तो बहुत अच्छी लगी चाप। और अब अम्मी का और भाई का रिव्यू लेना है मुझे भी। फटाफट दस्तरखान लगाते हैं और अब भाई तो आने वाले हैं ना मैं, हाँ भाई आने वाले, फटाफट दस्तरखान लगाते हैं और फिर खाएंगे खाना और रिव्यू दूंगी आपको सबका। ओके अम्मी ये बैठी हुई हैं यहाँ पर, अम्मी खाना खा रही हैं, तो अम्मी खा के बताओ फटाफट कैसा बनाया, कैसा बनाया अम्मी वो सही बताओ सच में। ये ग्रेट सक्सेस। अब मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं खाना खा रही हूँ, मिलता हूँ आपको खाने खाने के बाद। गाइस भाई आ चुके हैं माशाल्लाह से, भाई यहाँ बैठे हुए हैं अपना काम में बिजी रहते हैं, आपको जैसे कि पता है क्योंकि जिम्मेदारी भाई के ऊपर ये सारी, इसीलिए। तो भाई मैंने आज बनाई थी स्टिक वाली चाप जो कि आपने खा चुके हो आप, तो आपको कैसी लगी वो? वो चाप एक नंबर की वाहियात थी, बहुत ही बेकार, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे 10 दिन की बासी पड़ी हुई हो। गजब बेइज्जती है, ऐसा लोग सोचेंगे, सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत ही बढ़िया चाप थी, बहुत बढ़िया लगी, मैं तो ऐसा खा गया। थैंक यू। हाँ थैंक यू भाई, मैं तो डर गई बिल्कुल ही। तो थैंक यू सो मच। तो गाइज इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपना ध्यान रखना, अपना प्यार बनाए रखना, और दुआ में हमें याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।